نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يقضي الله فلا مزل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم फिर उस्वत हसन रबी शर सदर वली अमर बहलुद उदतमानी कौली रबन इमीन रबीन तमाम तारीफें बुजुर्ग बड़ाई के बूस रब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पलन हार मुश्किल कुशा हाजत रवा जिसकी जात में कोई शिकवा नहीं जिसके दानिश में कोई शिकायत नहीं बरखता से लारेब है दरुद सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहेब ताजमहल में राज वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसके संग ने गवाही दी सलाम उस पर जिसके चांद तारों ने गवाही दी दरोद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत रह्मत है दरोद उस पर के जिसका तस्कर आईनी इबादत है अलहम्म महम्म कमा सल तब्राहिम वालब्राहिम का हम दुम मजीद अल्ला बारिक महम्मद वालक महमद कमाबारक तब्राहिम वालब्राहिम इनका हमे दुम मजीद ब्रदर इस्लाम और पस बर्दाश सुनने वाली इस्लाम की मौज सुबह खुवात यह अल्लाह का बेपना फजल और करम एहसान है कि अल्लाह वाहदहूला शरीक लहू ने मेरी पैदाइश उम्मत मोहम्मदिया में की और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वाहदहूला शरीक अलहू ने मेरी पहचान इस कायनात में इस जगह इस शहर इस मुल्क के अंदर मुसलमान के हिस्से से बनाई फख्र होना चाहिए हमें इस बात के ऊपर कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है अहसान मोहतरम जिस तरह से आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं हम यह कोशिश करते हैं कि हर जुमा एक नया उन्मान बात पुरानी लेकर के आपके सामने आए ताकि उम्मत मोहम्मदिया को इसका भरपूर फायदा हो जो सबक हम अपना भुला चुके हैं वह सबक फिर से याद आ जाए जो गलतियां पिछले जुमा से इस जुमेरात तक सरजद हुई हैं उन गलतियों को किस तरीके से हम संभाल सकते हैं सुधार सकते हैं यही फिक्र के जरिए से हर जुमा एक नया उन्वान आपके सामने लाया जाता है और कलामुल्लाह कुरान मजीद अल्लाह का पैगाम रसूलुल्लाह की नसीहतें आपके सामने रखी जाती हैं जरूरत इस बात की है जीदान महतरम सुनने और सुनाने का मतलब यह है कि सुनने के बाद अमल लाजमी हो जाता है अब इसका मतलब यह नहीं निकलता कि भाई सुनने चाह को अमल करना चाह को अस्तगफिरल्लाह यह काफिराना जुमला है यह दुश्मन इस्लाम का जुमला है कि सुनने चाह को अमल करना चह को अस्तगफिरल्लाह जो इंसान अगर यह जहन रखता है कि नहीं भाई चलो अब सारी बातें सुनकर सारे पे अमल कहां हो सकता है हालात और वाकयात बदल रहे हैं दुनिया चुनौती दे रही है मुल्क मोहल्ले और शहर के हालात खराब है हुकूमत किसी जालिम आदमी के हाथ में दे दी गई है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है लिहाजा मिली जुली सरकार बनाकर इस्लाम चलाते हैं यह सोच अगर मेरी और आपकी है तो आज बदल लेने की जरूरत है इसलिए कि लवादहू ला शरीक लहू ने मजीद के अंदर छब्बीस नबियों का तस्करा किया लेकिन छब्बीस नबियों के तस्करे में अल्लाह ने दो नबियों की जिंदगी को मेरे और आपके लिए मुसलमानों के लिए औरतों और, तो और मर्दों के लिए पढ़े लिखे और अनपढ़ों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसुल्ला के जिन्होंने इख्तियार किया है उनके लिए लाजिम और मलजूम बनाया है दो नबियों की जिंदगी एक की आयत नंबर चार में अल्लाह ने इब्राहिम अलतलाम की जिंदगी को हम तमाम के लिए नमूना बनाया है उसी तरह से अल्लाह शरीक लहू ने सूरह नंबर तैतीस की आयत इक्कीस में ट्वेंटी वन के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद वसल्लम की जिंदगी को नमूना बनाया है अल्लाह अकबर क्या कहा गया फिर उस वत हसनवा कहा गया आपकी पूरी सीरत मुबारिका पहली वही से लेकर आखिरी आखिरी हिचकी तक मेरे और आपके आखम्म की जिंदगी को अल्लाह ने इंसानों के लिए नमूना बनाया अल्लाह ने ऐलान कर दिया समझा दिया बता दिया कि देखो मुसलमान होने की हैसियत से तुम इंसान होने की हैसियत से तुम जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजार सकते जब तक के लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा शामिल ना हो जाए लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जिंदगी सीरत शामिल ना हो जाए अब अल्लाह ने वाजे तौर पर और कुल्ले तौर पर ऐलान कर दिया कि मोहम्मद रसूल अल्लाह का उसवा तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूल अल्लाह की सीरत तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूल अल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए मक्की जिंदगी हो या मदनी जिंदगी हो या तिजार ताजर की जिंदगी हो या रिश्तेदारों की जिंदगी हो या उस्ताद की जिंदगी हो या लीडर की जिंदगी हो या रहबर की जिंदगी हो या सिफ सालार की जिंदगी हो हर नमूना तुम्हारे लिए नमूना बना दिया गया है रसोल्ला की सीरत को किसी और का नमूना बनाकर चलोगे तो वह गरम-गरम आग और खोलता हुआ पानी मुखद्दर बनाया जाएगा आओ जरा जिंदगी के मैं और आप पहलुओं पर नजर डालें इसी बुनियाद पर आज हमने जो अनुमान लिया है कहीं नबी करीम अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया जाता है तो हम पूरी दुनिया को आग लगाने पर तुल जाते हैं कहीं कोई अपनी गंदी जबान से मेरे और आपके आका मोहम्मद वसल्लम की सीरत मुबारिका पर जबान लपकुशाई करता है जबान खोलता है उंगली उठाता है कलम चलाता है माशरे में गंदगी फैलाने की कोशिश करता है तो हम तमाम के तमाम उठकर कहते हैं कि नहीं भाई अब बहुत हो गया हमारे आका की सीरत के बारे में बात हो गई शख्सियत के बारे में बात हो गई हमारा जीना ही बेकार है अस्तर यह ईमान का एक छोटा सा हिस्सा है छोटा सा हिस्सा होना भी चाहिए लेकिन अजीजा ने मोहतरम जिस चाहनुम से बचने का तस्करा अल्लाह ने कर दिया जिस शख्सियत की सीरत को अल्लाह ने नमूना बना दिया जो शख्सियत तेरह बरस तक जुल्म बरबरीत का शिकार होती रही अपनी निगाहों के सामने अपने जानने और मानने वालों को मिटता हुआ देखा जिंदगी अजीरन बनाते हुआ देखा जिनको अल्लाह ने मदीने की सरजमीन पर वो कामयाबियां अता फरमाई जिसका तस्करा सारे का सारा कुरान भरा पड़ा है पढ़ने की जरूरत है अब सवाल यह पैदा होता है वो तबका जो हंड्रेड परसेंट प्यूर ईमान वाला कल तक गुमराहियों की वादियों में थे लेकिन आज अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं फिक्र आखिरत का खौफ उनके चेहरों से नुमाया होता है फिक्र आखिरत उनकी जबान पर हमेशा हमेशा होता है चाहे जलवत हो या खलबत हो हर जगह फिक्र आखिरत का तस्करा होता है आओ, तीन नुकात आपके सामने रखो दो नुकात ऐसे हैं जो हंड्रेड परसेंट प्यूर ईमान रखने वालों से जरासी लचक हो गई जरा सी भूल चूक हो गई और जरा से डगमगा गए वो अपने जगह से तो अल्लाह ने खतरनाक गिरफ्त भी उनकी कर ली एक वाकया ऐसा है जो अमली तौर पर एक शख्स ने नबी की बगावत कर दी और नबी की मुखालिफत में जबान दराजी कर दी उसका भी अंजाम वही हुआ गौर करने की बात है जाने भतरम, पहला वाकया हमें मिलता है एक मरतबा एक सजलिस में गए लोग खाना खा रहे थे अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उस शख्स पर पड़ी जो बाएं हाथ से खा रहा था अल्लाह के वसल्लम ने टोका देखते ही रोका आज हम रोकने के आदि नहीं है हमारा दोस्त दस्तर में बैठा हुआ है गिलास खराब हो जाती भाई ये हाथ से पकड़े तो लिहाजा हमारे सामने बाएं हाथ से थम्सअप भी पी लेता है पानी का गिलास भी उठा लेता है लड्डू भी खाता है हर वह शय जो होती है बाएं हाथ से करता है हमारी निगाहें जाती हैं लेकिन हम कभी उसे रोकने की जरूरत नहीं करे सीरत मुबारक का नमूना यह होना चाहिए भाई हो बाप हो रिश्तेदार हो दोस्त हो शहर का कोई बड़ा आदमी हो गलती करता है टोकने की जरूरत है अब अल्लाह नबी वसल्लम उस शख्स की तरफ पलटे और देख करके कहा के भाई बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए शैतान खाता है अल्लाह ने सीधा हाथ दिया है सीधे हाथ से खाओ वो शख्स तकबुराना अंदाज में पलट कर जवाब दिया और कहा भाई मेरा हाथ सीधा मुंह तक नहीं पहुंच सकता मुझे आदत है बाएं हाथ से खाने की गुस्ताखी कर दी अमली गुस्ताखी आओ जरा अपनी जिंदगी लेकर देखें के खिलाफ करते हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले दूसरों को बुरा कहने से पहले मैं अपने गिरेबान में मुंह डालकर झांक कर देखो कि सुबह से शाम तक मैं कितनी गुस्ताखियां नबी के खिलाफ करता हूं अहकाम के खिलाफ करता हूं अब मेरे और आपके आका मोहम्मद ने उस शख्स से कहा बाएं हाथ से मत खाओ शैतान खाता है सीधे हाथ से खाना चाहिए वो शख्स पलट कर जवाब दिया और कहा नहीं मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता बाएं हाथ से ही खाऊंगा अल्लाह मेरे और आप कहा पलट कर फौरी जबान नबूबत को दिया और कहा अब तेरा सीधा हाथ तेरी मौत तक कभी मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा लाह अकबर और लोगों ने देखा वो आदमी तरसता था बाद में कि सीधा हाथ अपने मुंह तक उठा कर ले जाए सारा काम वो कर सकता था लेकिन खाने की बारी आती तो उसका मुंह कभी सीधे हाथ तक नहीं पहुंचा पता चला कि अमली बगावत भी बड़ी खतरनाक होती है जुबानी बगावत भी बड़ी खतरनाक होती है इलमी बगावत भी गुस्तागे भी बड़ी खतरनाक होती है इस शख्स ने अमली गुस्तागी कर दी नबी के साथ और नबी ने पलट कर कहा कि तेरा हाथ नहीं पहुंचेगा उसकी मौत तक सीधा हाथ कभी उसके मुंह तक नहीं पहुंच सका नंबर एक जहन में रख लेना इन बातों को यह तो खैर कोई आदमी अरा गहरा होगा जो नबी की बात पर इंकार करके अपने आप को जहनुम रसीद कर लेगा लेकिन दो बड़े उम्दा और बेहतरीन है जिससे मुझे और आपको सबक लेने की जरूरत है सुधर जाने की जरूरत है मेरे और आपके ईमान का कोई गारंटी नहीं ना अल्लाह ने मुझसे राजी होने का वादा किया ना अल्लाह ने जन्नत मेरे नाम की ना अल्लाह ने मुझे जहन्नुम से बचाने का वादा किया फिर भी मेरी जिंदगी लाऊबाली पन की है दम हुआ सीना तान कर इस सरजमीन को इस्तेमाल करता हूं गजाएं इस्तेमाल करता हूं हवा इस्तेमाल करता हूं पानी इस्तेमाल करता हूं गर्ज के हर वह नेमत है जो इस सरजमीन पर इस्तेमाल में जरूर करता हूं लेकिन कभी मेरा दिल धड़का नहीं कि कौन सा अमल नबी की गुस्तागी के जो है ना तरफ मुझे लेकर के जा रहा है सोचा है कभी नहीं बस सुबह होती है शाम होती है उम्र यू ही तमाम होती है साबिक राम प्योर ईमान वाले अल्लाह ने जिब्राइल को आसमान से भेजकर नबी को हिदायत दी और कहा मोहम्मद सर वसल्लम ये 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 लोगों के नाम गिनवा रहा हूं इनको मैंने दुनिया में जन्नत दे दी जाओ कोई हिसाब किताब नहीं होगा इनका जन्नत में मुखाम बना दिया हूं मैंने इनका वो साहब कराम लरज़ जाते थे अपनी जगह पर परेशान हो जाते थे अब गौर करने की बात है जिदान मोहतरम ऐसा तबका जिसके बारे में रसुल्लाह ने कहा रजी अल्लाह अनहू व रजू अन अरे अल्लाह जिससे राजी हो जाए फिर क्या है भाई अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है जीब्रैल को भेज के इनसे राजी मैं इनसे राजी मैं इनसे राजी जाओ मैं राजी हो गया वो भी मुझसे राजी है मैं भी उनसे राजी हूं अल्लाह अकबर ऐसे तबके से अनजाने में कोई गलती अगर हो जाए अल्लाह कभी रसोल्लाह की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकता आओ जरा देखते हैं दो वाकयात एक मैदान का है अब जंग होने वाली है अल्लाह है है। के वसल्लम की कि एक टीले पर पचास साहब राम को बिठा दिए और कहा कि मैं हम लोग जंग करते रहेंगे और कोई इस पहाड़ की जगह को छोड़कर नीचे नहीं उतरेगा जब तक के मेरा हुक्म ना हो जाए अल्लाह अकबर लखद काना रखी रसुल्ला उस वत हंसना नमूना बता दिया गया कि अब कोई नहीं हिलेगा यहां से बैठे रहना इंतजार करना लेकिन अल्लाह के मसलहत थी आजमाइश थी उनके साथ कि जंग शुरू हुई और चंद ही मिनटों के अंदर जंग मुसलमानों के हक में आ गई और कुफार और खालिद बिन वलीद अब इस्लाम कबूल नहीं करे जंग का पासा जो है ना मुसलमानों के हक में अल्लाह ने डाल दिया मुसलमान सुर्खुर व शाद मैदान ए काश में खड़े हुए दुश्मन जो जो सामान छोड़ के गया था माले गनीमत लूटने में लग गए जमा करने में लग गए ये पचास साहबा ऊपर खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा इशारा नबी का अब दो टुकड़ियों में तब्दील हो गई साहबा की पचास की जमात कुछ साहबा ने कहा हो सकता है अलैहि वसल्लम भूल गए होंगे बताना हो कि भूल गए होंगे दुश्मन तो चला गया ना माल लूटा जा रहा है आखिर में जाएंगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं अल्लाह अकबर जब सोच आई शैतान ने रखना डाला और अल्लाह की बात के खिलाफ साहबाइक क़राम ने किया और उनमें से बेशतर बेचतर क़राम पहाड़ छोड़ दिए और उतर कर आकर माले गनीमत लूटने में लग गए अब जब माल गनीमत लूटने में लग गए खालिद बिन वली जो अपने टोली को लेकर पीछे से जा रहे थे अचानक नजर पड़ी अरे ये रास्ता है फिर से मुसलमानों पर हमला करने का आपने अपने गिरोह को लेकर उसी पहाड़ पर चढ़कर वो 25 साहबा कराम को जामे शहादत नोश करना पड़ा और खालिद बिन वलीद ने ऐसा खतरनाक हमला फिर से उसी मैदान में कर दिया जिसकी वजह से मेरे और आपके आका मोहम्मद वसल्लम को तीन घंटे तक बेहोश रहना पड़ा आपके मुबारक शहीद हुए हजरत हमजा का मसला कही आ गया हजरत उमेर को शहादत हो गई और हजरत हंजला का जिस्म भी काटा गया अस्सी साहब कराम अस्सी जा में शहादत नौश फरमाए कब एक छोटी सी अनजानी गलती जानबूझ के नहीं साहबा कभी नहीं करते थे, थे। नौजबिल्लाजमिल्ला नबी के खिलाफ हो गई इतफाक हुआ अब अल्लाह के वसल्लम की बात की मुखालिफत हुई इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा तारीख शाहिद है उतना बड़ा नुकसान फिर कभी मुसलमानों को नहीं हुआ ना नबी की जाते मुबारक को हुआ गर्ज कहने का मकसद यह है नबी की बात में जरा सी लचक पैदा करोगे नबी की बात को जरा से छोड़ोगे तो नुकसान पूरे के पूरे मुकद्दर बना दिए जाएंगे जिसका नजारा मैं और आप दुनिया और अपने मुल्क और अपने शहर में देख रहे हैं हम आओ एक और वाकया बताकर बात को आगे बढ़ाऊं तबूक का मौका है अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया चलो अब तबूक को जाना है चलो निकलना है तबूक को साहबा तैयारी करने लगे का अब बिन मालिक रजी अल्लाह ने यह सोचा कि चलो अब से पहले माल नहीं था आज तो माल भी है सामान खरीद लूंगा बाजार की तरफ चले गए सोचा आज कोई सामान ठीक नहीं आया कल ले लूंगा लफ्जिश हुई छोटी सी बात नबी के हुक्म पर अमल नहीं किया इस इंतजार में रहे कि कल सामान ऊंट घोड़ा हथियार अगर बाजार में नए आते हैं तो खरीद लूंगा पैसे तो बहुत है इसी इंतजार 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 में आप जो है जब आपके कानों तक तो वो आवाज आती है खासद आकर ये आवाज लगाता है कि सल्लल्लाहु वसल्लम और उनके साथी तबूक में कामयाबी हासिल करके मदीना आ रहे हैं कहते हैं हाय हाय मेरी बदबख्ती अब से पहले मैं नबी के साथ बदर में भी था मैं ओहद में भी था और जंगों में भी था मेरी बदबख्ती ऐसी नबी की बात के खिलाफ कर दिया जा नहीं सका मैं अब अपने आप में कुड़ने लगे अल्लाह के नबी और शाद में कामयाबी का झंडा लेकर मदीने की सरजमीन पर आते हैं अब जब आए अल्लाह के नबी वसल्लम सबसे खैर खैरियत दरियात की मुनाफिकीन ने झूठी छोटी बातें लगाकर नबी को कुछ जो है ना मनवाने की कोशिश की इन ईमान वालों के ताल्लुक से अल्लाह शरीका लगू ने जबराइल के जरिए से नबी के कल्ब अथर पर पैगाम भेजा और कहा अहम्म जो आपकी बात का जरा सा भी इनकार करता है हम चाहे उसे जितना भी लें लेकिन नबी के खिलाफ उठने वाली आवाज या अमल को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते पचास दिन तक हजरत काब हिलाल बिनैया हिलाल बिन उमैया मुरारत बिन रबी तीन साहब कराम का सोशल बेकार्ड कर दिया गया नहीं कोई बात नहीं करेगा इसलिए कि नबी की बात का इन्होंने अहमियत नहीं दी नबी की बात पर यकीन नहीं करा नबी की बात पर यकीन होने के बावजूद अमल नहीं किया अब पचास दिन तक इन तीन साहब का सोशल बैकॉट हजरत खतादा कहते हैं मैं काबिन मालिक के बाजू का पड़ोसी मेरा चचाजाद भाई लेकिन मैं ये देखा कि अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया अब इनसे मिलना नहीं है बात नहीं करना है सलाम भी नहीं करना है हजरत काब कहते हैं कि मैं अपने छत पर चढ़ जाता घर के अपने चचेरे भाई खतादा को देखता किसी काम में मशगूल होता मैं आवाज देता खतादा मेरे भाई सुन बड़ी तकलीफ में हो कोई बात करने वाला नहीं मदीने की सरजमीन पर खतादा रजी कहते हैं कि रसूल अल्लाह का फरमान है तुमसे बात नहीं की जा सकती अकबर पता चला कि अमली गुस्ताखी भी गुस्ताखी होती है जबानी गुस्ताखी भी गुस्ताखी होती है आओ मैं और आप ख्तसर मुख्तसर वाकयात सामने रखकर जो है बात को खत्म करें कि रोज में और आप कितनी गुस्ताखिया करते हैं हुक्म के आ जाने के बाद हुक्म के आ जाने के बाद गुस्ताखी हम करते हैं अल्लाह अकबर आओ जरा देखते हैं मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लाह वसल्लम ने क्या फरमान जारी किया अल्लाह के हुक्म से मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लाह ने Allah के हुक्म से फरमान जारी किया और कहा मिया दिन में तुम्हारे ऊपर पांच नमाजें फर्ज की गई है अगबर, किसका फरमान किसका फरमान रहमतमीन शफी मुजीन मालिक कौशर शाफ महशर मोहम्मद वसल्लम का फरमान दिन में तुम्हारे लिए पांच नमाजें फर्ज की गई है हम चार पढ़ते हैं एक छोड़ देते हैं फजर मुसलमानों से कहां होती है भाई बड़ी तंगी है फजर के उठने में फजर और ईशा पढ़ने में बड़ी तंगी है हमारे पास गुस्ताखी की हमने नबी के हुक्म को अपने ख्वाहिशा और नुकसानी ख्वाहिशात के पैरों तले रौन कर रख दिया नबी ने कहा फजर की नमाज की अहमियत अगर बता दो तो तुम घुटनों के बल चल करके भी मस्जिद को आ जाओगे कहा है है? हर मस्जिद में आठ दस बारह छह पांच चार एक मस्जिद तो ओल्ड सिटी की एक न्यूज आई के अजान देकर मोसिन और इमाम ने भरी आबादी में भरी आबादी में पीरों मुर्शद के दीवानों इंसानों के खदमों पर सर रख के कामयाबी हासिल करने वालों खबर परस्ती के पुजारियों और मस्जिद गवाह बनेगी तुम्हारे खिलाफ क्यामत के दिन कोई मस्जिद ने फजर में नहीं हजाक दे के मस्जिद और इमाम इंतजार कर रहा है कि कोई तो आ जाए नमाज पढ़े वो फजर तमाम मुसलमानों के लिए तबाही का जरिया बनेगी इसलिए कि उस दिन कोई मुसली दूसरा नहीं आया सिर्फ इमाम और जो है मोस्जिद ने नमाज पढ़ी फजर की अल्लाह अकबर कहा है तुम कहते हो नहीं उसने गुस्ताखी की तुम कहते हो नहीं उसने गुस्ताखी की तुमने क्या किया उठे फजर को अगर गिनाने बैठ जाओ आज ही तो इतने बड़े मज़मूए में से बहुत कम लोग निकलेंगे जो फजर की नमाज आज पड़ी हो गुस्ताखी तो कर दी अब तबाही का नजारा भी देखना है अपने आंखों से नहीं छोटेंगे नहीं बख्शे जाएंगे याद रखना इस बात को गर्ज कहने का मकसद यह जीदा महतरम मेरे और आपके आका मोहम्मद वसल्लम ने बात बताई और फिर अपनी जिंदगी में नमूना बना दिया मेरे आका ने कहा कि मुनाफिक पर फजर और ईशा की नमाज बड़ी भारी है और आज हम इल्लल्लाह के पढ़ने वाले मोहम्मद रसुल्लाह की पर जान छिड़कने वाले आपकी गुस्तागी करने वाले को जमीन दोष करने वाले धोखे की जिंदगी है आपकी आपकी जिंदगी मुनाफा खाना है ये धोखा दे रहे हैं आप अल्लाह उसके रसूल को खुद को धोखा दे रहे हैं आप अल्लाह के नबी ने कहा कि यह नमाज मुनाफिकों पर भारी है और मैं नहीं उठकर मुसलमान कैसे रह सकता हूं मैं ईशान छोड़कर कैसे मुसलमान रह सकता हूं गर्ज कहने का मकसद यह जीदान मोहतरम आओ जरा बात आगे बढ़ती है अपनी जिंदगी का जायजा लेना है शादी ब्याह का मामला आ गया अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है अन निकाह मिन सुन्नतिशारा करके बता निकाह को मैं पसंद करता हूं मेरी पसंद है ये कौन कह रहा है भाई जिसके जरिए से मेरी और आपकी शिपात होने वाली है लेकिन आज मामला क्या है मुनाफिकाना निजाम हमने कायम किया और गुस्तागी हमने की नबी के खिलाफ बोल दिया नबी के खिलाफ अमल करके बता दिया शादी का रोका तो छपा दिया उस पर ऊपर के सबसे हिस्से में लिखाया निकाह में सुनती नीचे लिखाया बाद नमाज असर फलानी मस्जिद में निकाह होगा अल्लाह अकबर ये धोखे की बातें हैं सारी, सारी की सारी धोखे की बातें हैं और फिर असर के बाद तो निकाह हुआ मियाँ रात को 11 बजे साढ़े ग्यारह बजे पटाखे फोड़ते हुए बाजे बजाते हुए लोगों को नचाते हुए नबी की मुखालिफत करते हुए निकामिन सुन्नती का मजाक बनाते हुए गैरों के सामने नबी की सुन्नत की इज्जत को तार तार करते हुए 11 बजे रात को जो है ना दुल्हा कहां पहुंच रहा है शादी खाना यह मजाक नहीं तो फिर क्या है यह नबी की गुस्ताखी नहीं तो फिर और क्या है हुक्म के आन मुताबिक अमल करना यह है नबी का नमूना जिंदगी और इताअत और फरमाबरदारी का नजारा लेकिन नबी ने कुछ और कहा हो और हमने कुछ और किया है तो फिर याद रखना कि बख्शे नहीं जाओगे दुनिया तो खैर मिल ही जाएगी अल्लाह के वादे के मुताबिक लेकिन आखिरत नहीं मिलेगी अल्लाह के वादे के मुताबिक अल्लाह ने ऐसे कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं रखी क्यामत के दिन अल्लाह ने नबी के मुखालिफत करने वालों के लिए कोई मुकाम नहीं बनाया जन्नत में जब के हंड्रेड परसेंट प्योर और पूरी जिंदगी नबी के अमूने के मुताबिक ना हो पढ़ो कभी हुद पढ़ा पढ़ाए कभी नहीं पढ़ा नहीं कहां पढ़ोगे तुम सूर्य इंफित पढ़ाए कभी सूर्य तकबीर पढ़ा है कभी, कभी? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जब मेरे और आपके आका मोहम्मद के सरे मुबारक के अंदर बाल सफेद आना शुरू हुए और दाढ़ी के बाल सफेद होना शुरू हुए सफेदी अलानिया झांकने लगी साहब कर पूछते हैं यार हम देखते हैं कि आपका चेहरा जर्द पड़ रहा है आपके चेहरे पर झुर्रिया आ रही है आपके सर में बाल सफेद ज्यादा नजर आ रहे हैं आपकी दाढ़ी में बाल सफेद ज्यादा नजर आ रहे हैं कोई फिक्र लाक है क्या आपको कोई परेशानी है हम अपने माँ बाप कुर्बान कर देंगे अपना माल जायदाद कुर्बान कर देंगे अपनी औलाद को राह में डाल देंगे अल्लाह बताइए क्या फिक्र है तो मेरे और आपके आखा मोहम्मद ने कहा नहीं भाई कोई फिक्र तो नहीं है लेकिन हुद और सूरह इन्फितार का नुजूल ने मुझे बूढ़ा बना दिया तुम क्या कर रहे हो आज जवानी बरकरार रखना चाहते हो हा? जवानी रहना चाहते हो फजर में सो के जवान बनना चाहते हो ईशान छोड़ के जहन्नुम जो है जवान बनना चाहते हो शादी में बजा बजा के नाच नाच के जवान बनना चाहते हो तो यह जवानी तुम्हारी जहन्नुम के काम आएगी जन्नत के काम नहीं आ सकती वक्त है आज मैं और आप सुधर जाए मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लाह सल्लम ने कहा मिया सूद लेना और देना दोनों बंद कर दिया जाए खत्म कोई सूदी निजाम नहीं होगा आप ना कोई सूद लेगा ना कोई सूद देगा यह निजाम को दफन और खत्म कर देना है मेरे आका ने रब के हुक्म से फरमान जारी कर दिया लेकिन आज मुसलमानों ने क्या किया भाई सूद को भी तिजारत का लफ्ज देकर के हम आज सूदी निजाम को वो जन्म दे दिया कि आदमी दस हजार की कापी बनाता है रोज सौ सौ रुपए बनता चला जाता है जब के मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूद के खिलाफ दो बड़ी खतरनाक बातें बताएंगे एक अल्लाह ने एक रसूल अल्लाह ने सूरह बकरा में अल्लाह वाहुदहु अल अशरीक अलैहु ने कहा मियां जो सूद तुम्हारा रह गया है खत्म कर दो से असल है उसमें भी नरमी करके ले वर वो भी माफ कर देता तो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुमने सूद लेना और देना बंद नहीं किया तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए और आज ये सारी की सारी उम्मत है मरहुमा उम्मत है मुस्लिमा मुसलमानों के भी कहीं बैंक होते हैं क्या मुसलमानों के भी बैंक में सूद दिया जाता है क्या अल्ला lights, गवर, अल्लाह अकबर जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के से जंग करने के लिए तैयार हो जाए फिर वो कौम कभी तरक्की नहीं पा सकती इसलिए हमने ऐलान जंग कर दिया अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हमने अलल ऐलान कर दिया हर मोहल्ले की दुकान के नुक्कड़ पर एक रहन सेंटर जरूर होगा छिल्ले की दावत है बालियां रखा के पैसे ला लो सालगिरा करना है कुछ और रखा के पैसे ला लो बच्ची की शादी है कुछ और करके पैसे ला लो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी हाथ कांपना चाहिए दिमाग में थरथराहट पैदा होनी चाहिए दिल की धड़कन बढ़ जानी चाहिए कि लो क्या काम करने जा रही हूं जा रहा हूं यह काम करने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई ये होना चाहिए था कहा है कौन सोचता है रसोल्लाह की बात को है यकीन समझते हो यकीन करते हो हर किस नहीं जीजा ने मोहतरम यकीन अगर करते होते ना तो साहबा इकराम के पास नबी की बात की जो अहमियत थी एक वाक याद आ गया सुन लीजिए हमने कई मरतबा इन बातों को रखा है आपके सामने आप उठते नहीं अल्लाह और उसके रसूल के कानून को बचाने के लिए अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उठेंगे अपने झूठे प्लाट के पीछे जाने के लिए रुकेंगे मेरी जोरू को कौन देखा मेरी बेटी को कौन देखा आप जो है ना इसके ऊपर बहस करते रहेंगे उठो वक्त है आज भी आवाज को बुलंद करना चाहिए उठाना चाहिए बुराई के खिलाफ अब्दुल ने मसूद तआला रजिया और से सुनना उसके बाद यह जज्बा यह हौसला अपने अंदर पैदा करना नबी से पक्की और सच्ची मोहब्बत हमारे सीनों में पैदा करना क्या मामला है गौर करने की बात है जीजान महतरम हक है जो हक होता है कबूल करना अल्लाह बकबर खिताब कर रहे हैं। बता रहे, हैं। समझा रहे हैं लोगों को अच्छा मस्जिद में दाखिला ले रहे हैं एक कदम दरवाजे के अंदर एक कदम बाहर है और से सुनना है इस बात को एक कदम अंदर कदम बाहर अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला मसूद रजी अल्लाह ते कर नहीं कहा बल्कि आपकी तकरीर के दौरान में अल्फाज थे कि बैठ जाओ अब्दुल मसूद रजियाल्ला कहते हैं जब यह आवाज़ मेरे कानों में पड़ी मैं जहां था वहीं पर बैठ गया रास्ता था अलग ने भी देख रहे अब्दुल मसूद रजिया रास्ता नहीं छोड़ रहा रास्ते में बैठ गया है आपकी बात पूरी खत्म हुई जैसे ही बात खत्म होना था बुलाया आप नहीं जाऊ मसूद क्या है तुम्हारी हरकत रास्ते हदा नहीं करते रास्ते में क्यों बैठे हो आ उस मायनास साहबी ने जिसको जन्नत पे जाने का शौक था जिसके नजरों में जिसके ईमान में जिसके अखीदे में जिसके अमल में सबसे उम्दा बात थी तो रसूलुल्लाह का हुक्म था अब, अब रजी अल्लाह कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या बताऊं जी मैं दाखिला ले रहा था दरवाजे में एक कदम अंदर और एक कदम बाहर था लेकिन आपकी जबान नबूवत के अल्फाज मेरे कानों ने सुने आप किससे कह रहे थे मुझे पता नहीं लेकिन मेरे कानों ने सुना के बैठ जाओ तो मैं इस ईमान की हरारत को हरकत दी और सोचने पर मजबूर हो गया कि अल्लाह ने तो यहां कहा है बैठने के लिए मैं दो चार कदम आगे डाल के अगर बैठूं तो अल्लाह अकबर कहीं नबी की बात का इनकार करने वालों मेरा शुमार तो ना हो जाए लाहौ अकबर यह जज्बा था कहां है बताओ है करते हैं ये कहां है ये जज्बा कौन से जज्बे की बात की जाए कौन से वाकयात की बात की जाए कौन से जो है ना जज्बाती बात की जाए आखा की जिंदगी की हमारे जो दिल है ना दोस्त ये मुर्दा मुर्दा हो चुके हैं मुर्दा मुर्दा हो चुके हैं इसको जिंदा करना है अल्लाह के जिक्र से जिंदा करना है हलाल खा के जिंदा करना है तंबाकू बीड़ी सिगरेट का तिजारत और कारोबार छोड़ के करना है सूदी निजाम खत्म करके करना है खबर परस्ती निजाम की मुखालिफत करके करना है ये तमाम बुराई के बड़े बड़े चीजों को खत्म करने का जज्बा पैदा होगा तो फिर याद रखो ये दिल कुछ जिंदा होगा और धड़कना शुरू होगा अल्लाह की याद से धड़केगा जहन्नुम के खौफ से धड़केगा जन्नत की मोहब्बत में धड़केगा इन शहस गज कहने का मकसद यह जीदान महतरम नबीलाम की कितनी बातों की हम लापरवाही से ठेठ होकर खतरनाक तरीके से हम मुखालिफत करते हैं अल्लाह के नबीलासलम ने क्या कहा अपने कपड़ों को मियां टखने से ऊंचा रखना चाहिए जो कपड़ा टखनों के नीचे लटकेगा अल्लाह उस हिस्से को जहन्नुम में जलाएगा किसका फरमान है घर के मीदान का दादी नानी का दादा दादी का फुप्पू का खालू का या कोई मोहल्ले के बड़े ताकतवर आदमी का या दुनिया की तखयानुशी हुकूमत चलाने वालों का फरमान नहीं खालिख कायनात मालिक अर्जो समान है जिनको रहमत आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा आपके बाद नबूवत के सिलसिले को खत्म कर दिया वो शख्सियत कह रही है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा सुर नजम की आयत नंबर दो और तीन के अंदर बता दिया गया कि यह मोहम्मद अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते जब तक कि हम इन पर वही ना कर दें या इलखा ना कर दे ये किसी को कोई हुक्म नहीं देते और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से हुक्म दे दिया इंसानियत को लोगों को अपने पंचों को जो है ऊंचा रखा करो टखने से ऊंचा और औरतों को हुक्म दिया गया कि अपने कपड़ों को टखनों से नीचे रखा क्या करो लेकिन आज मामला क्या है हम कैसा धोखा देते हैं हम कैसी गुस्ताखी करते हैं अरे भाई भारी कपड़ा है टखने से ऊंचा अगर रखा जाए तो पैंट छोटा नजर आएगा हां बड़ा करके बाजार में घूम लेंगे महबूबा से मिल लेंगे दावतें अटेंड कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे नमाज का मौका आया तो सब में ठहर के दो चार पैंचे मोड़ के नमाज पढ़ेंगे जैसे ही नमाज खत्म होगी फिर पैंचे छोड़ देंगे गुस्ताखी नहीं तो फिर और क्या है माना अपने बात को नबी की माना अपने अपने पैंट को ऊंचा करना नहीं गुस्ताखी कर दी नबी के खिलाफ कर दिया सोचो जरा कितनी ऐसी गुस्ताखियां हैं जो हमारी जिंदगी में आई हैं अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा उम्मत जानी हो सकता है शराबी हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता लेकिन आज क्या है जितना भी कारोबार हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं भाई इल्ला माशाल्लाह अरे भाई आप आ गए अच्छा करें नया स्टॉक आया आजिज अरे सब कुछ से दे रहा हूं जी आप इतने में लेके जाओ मोली साहब सुबह अल्लाह इतनी आसानी से सफाकी से झूठ बोल दिया जाता है उसका रेट बाद में मालूम किया गया तो मेरे को सबसे महंगा दे दिया और नापने में सबसे बोला के दो इंच बढ़ के दे रहा हूं घर को आके नापा तो दो इंच कम हो गए गुस्ताखे कौन कर रहा है भैया कौन कर रहा है ये कोई गैर मुस्लिम कर रहा है कोई यहूद नसारा का आदमी कर रहा है नहीं ये मुनाफी सिफात तो मेरे और आपके अंदर पैदा हो गए ले लीजिए अभी आया ले लो लेके जाओ अस्तर बिल्लास कहने का मकसद मोहतरम क्या इस्लाम की मुखालिफत में पूरी जिंदगी गुजारकर जन्नत में कौन जा सकता है जा सकते हैं जन्नत में आज ही सुधर जाने की जरूरत है यह कुर्बानी आ रही है दो बकरे चार बकरों की कुर्बानी देके फोटो डाल के अपनी शोहरत के जो है डंके मत पीटो सबसे पहले नफ्स की कुर्बानी दो ख्वाहिशात की कुर्बानी दो इस्लाम को सरबरन रखने की कुर्बानी दो फजर की अजान सुनकर नींद की कुर्बानी दो हलाल हराम को छोड़कर हलाल कमाने की कुर्बानी दो तब जाकर तुम्हारी शायद यह कुर्बानी भी कबूल हो जाए एक और बात जो हर जुमा हम कहते हैं लेकिन कौन मुसलमान है भाई नबी को चाहने वाला अगर हम कहें कि भाई जरा हाथ उठा के बताओ क्या आप नबी के नाम पर अपनी जान देना चाहते हो नबी के लिए हर मजमु का आदमी उठाकर हाथ कहेगा कि मैं नबी के लिए अपनी जान देने तैयार हूं लेकिन जुमे के दिन जल्दी आना नहीं होता मेरे से फजर की नमाज में उठना नहीं होता मेरे से रोज कुरान पढ़ना नहीं होता मेरे से सिगरेट छोड़ना नहीं होता मेरे से जर्दे का पान मैं नहीं छोड़ सकता झूठ बोलना मैं नहीं छोड़ सकता पेंचों को जमीन पर लटका कर चलूंगा गाने में सुनता रहूंगा गैर महरूमों की तस्वीर फोटुआ चाहे तुम्हारी क्लास फेलो हो या जिनसे तुम्हारा निकाह खानदान में होता हो उनकी तस्वीर को अपने फोनों में सजा सजा कर मैं रखना नहीं छोड़ सकता मैं गाने गाना नहीं छोड़ सकता मैं दाढ़ी जो है मोड़ना नहीं छोड़ सकता ये तमाम बुराइयां मेरे अंदर है लेकिन नबी का चाहने वाला हूं अस्तफरल्ला कल ख़यामत के दिन अब्दुल्लाह इब्ने उबई से मुलाकात होगी तो मुझसे और आपसे मिलकर वो शर्मिंदा हो जाएगा इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्ने उबैई की दाढ़ी भी बड़ी थी अब्दुल्लाह बिन उबैई जो है ना नमाज में भी शामिल होता था अब्दुल्लाह इब्ने उबे नबी की बातों को फैलाता भी था अब्दुल्लाह इब्ने उबै नबी की बात नहीं सुनने वालों पर गुर्राता भी था लेकिन अमली जिंदगी में नबी के खिलाफ किया करता था आज क्या अच्छा मामला है मेरा और आपका हक हाँ क्यों नहीं तस्लीम करते भाई मरना नहीं है मौत आने वाले नहीं है खबर के कीड़ों की गिजा बनने वाला नहीं है जिसम खबर के की कीड़ों की गजा भी बनने वाला है अगर खबर के कीड़ों की गिजा बनने से रोकना है तो फिर आज अल्लाह और उसके रसूल के खवानी दुनिया चाहे कुछ बोल ले पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली मेरे आका ने लेकिन अल्लाह की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी जब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी तो लोगों के सामने यह दिख रहा था कि अरे ए एक आदमी क्या कर सकता भाई हमारी तादाद तो इतनी बड़ी है हमारी जमात तो इतनी बड़ी है लेकिन अल्लाह शरीक लहू अल्ला ने तेईस बरस के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम की पहचान बना दिया वह ए राम जो कल तक भटक रहे थे जब एक अल्लाह पर यकीनगार ईमान ला करके उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ने इस कुर्र अर्ज का खलीफा बना दिया उन्हें कल तक जो महकूम थे हमेशा के महकूम हर जगह पर महकूमियत में थे ऑर्डर देने के काबिल नहीं थे लेकिन जब अल्लाह के और इसके रसूल की मर्जी के मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजारी तो देखा गया कि जितने दुश्मन थे वो हमारी सब में खड़े होकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे क्या हो गया तुमको क्या हो गया भाई अल्लाह का रिस्क खाते हुए शर्म महसूस नहीं होती जरा भी कभी दिल में शर्मिंदगी महसूस करे कि अल्लाह पानी पी रहा हो, ये नेमत मुझसे छीन लिया तो क्या होगा अल्लाह रिस्क खा रहा हूं अल्लाह चावल खा रहा हूं अल्लाह कमाई आ रही है अल्लाह अच्छी सेहत दिया है अल्लाह कहीं ऐसा ना हो के होते होते तू मेरी कारगुजारियों से जो है ना खफा होकर अगर नेमतों को एक सेकंड में अगर छीन ले तो क्या होगा मेरा आखिर कभी सोचा है नहीं सोचा ना फिर कौन सा चेहरा लेकर नबी के सामने जाओगे सूरत में न सारा तो तमद्दुन में हनूज अल्लाह में सौ डेढ़ सौ साल पहले शेर लिख दिए और कहा कि सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हनूज अरे ये वो मुसलमान है जिसे देख के शर्माए शर्मा ये अकबर कभी ये मनहोज चेहरा अपने आईने में देख करके तस्वुर करना बुरा नहीं मानना भाई हमने सुना है कि हमारी बातों का लोग बुरा मानते मैं वो बात करने का आदि नहीं हूं जो मेरी जाती हो या आपकी जातियात से हो लेकिन इस्लाम ने कहा यह बुरा है तो बराबर बोलूंगा उसको बुरा डंके की चोट पर बोलूंगा मैं उसे बुरा हर वक्त बोलूंगा बुरा इंशाला इसीलिए जो इस्लाम की नजर में बुरा है वो इंसानों की नजर में अच्छा कैसे हो सकता है हो सकता है नहीं हो सकता है। जो हाँ है, हाँ है, यही है कभी यह मनहूस चेहरा आईने में देख करके तस्वर करना कि या रसूल अल्लाह आपका चेहरा कैसा था जी या अल्लाह जरा मेरे जहन में ला दे एक अक्स ला दे एक मरतबा नबी का चेहरा देखना चाहता हूं क्या मेरा जो मेरे नबी का चेहरा मेरे चेहरे से मिलता जुलता है या नहीं कभी सोचे नहीं सोचे ना क्यों सोचेंगे आप क्यों सोचेंगे भाई नबी से मोहब्बत जबान की नोक तक है ना कहां है आज इस्लाम हमारे घरों से भागता हुआ नजर आ रहा है अपने घरों में इस्लाम को दाखिल करो अपने घरों में इस्लाम को दाखिल करो दरवाजे खिड़कियां खोलकर छत निकाल करके इस्लाम से कहो कि आ जाओ मैं हमारे घर में बड़ी तंगी है तुम्हारी बड़ी दूरी हो रही है तुम्हारे से बड़ी मुश्किलें दरपेश आ रही है तुमको छोड़ करके आ जाओ इस्लाम आ जाओ इस्लाम अपने घरों में जगे दो इंशाला फिर देखना बीवी मोती और फर्मा बरदार बन जाएगी औलाद से कभी जख्म तुम्हें नहीं मिलेंगे किसी रिश्तेदार से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी बल्कि इस्लाम जहां दाखिल हो जाता है इस्लाम के वाज कुल माने यही है कि सलामती भाईचारगी मोहब्बत इंसानियत इकवानियत आओ, वो इस्लाम की तरफ कौन रोका है तुम्हें कौन रोका है भाई? पांच वक्त की नमाज पढ़ने से कोई रोका है तुम्हें चेहरे पे दाढ़ी रखने से कोई रोका है तुम्हें पैंचों को टकने से ऊपर रखना से कोई रोका है तुम्हें सूदी निजाम खत्म करने से कोई रोका है तुम्हें खबर परस्ती को खत्म करने से कोई रोका है तुम्हें झूठ बोलने से कोई रोका है तुम्हें अल्लाह अल्लाह की पनफ कोई नहीं रोका इन बातों के लिए कोई जियो नहीं कोई कानून नहीं कोई उसूल नहीं अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इतनी बरबरीयत के बावजूद हम आसानी के साथ इस सरजमीन पर माथा टेक कर नमाज पढ़ लेते हैं इतनी बरबरीत के बावजूद हम अजान की आवाज पूरे माशर में गुजा देते हैं और इतनी बरबरीत के बावजूद हमारी कुरान सुनने के लिए इंसानियत तरस रही है आज अल्लाह हुआ एकबर, क्या हो गया तुम्हें अगर कोई खासिर है कोई दूर भाग रहा है या कोई अह चलो भाई चलता ना कल का कल देख लेंगे अस्तर कौम आद का जवाब है ये कौम आद ने यही कहा था अल्लाह अकबर जब उनके नबी ने आकर उनके सामने बात को रख करके कहा कि मेरी बात मान लो मैं अल्लाह का नबी हूं अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं देख रहा हूं कि आसमान से तुम पर अजाब उंडेला जा रहा है वो आन पहुंचेगा क्या जवाब दिया ठीक है ठीक है कहा खौम ने कहा कि आने वाला है आज हमारा भी आलम मैचीज है ना अगर यकीन हो जाता है अजाब आने वाले अल्लाह आसमान से अजाब नाजिल करने वाला है नहीं भाई अब जिंदगी को सुधार लेना चाहिए बहुत हो गया अब तक अब नहीं कोई गलती नहीं करेंगे अब अब कोई मुखालिफत नहीं करेंगे अब नबी के खिलाफ नहीं जाएंगे अब जितनी तो नहीं सुबह सूरज निकलने से लेकर रात के सूरज गुरु होने तक मेरी आग बिस्तर पर लगने तक मैं नबी की मुखालिफत नहीं करूंगा एक एक सुन्नत पर बल कर लूंगा कोई रोका है तुमको कौम आद और समुद्र के हालात हमारे अंदर पैदा हो गए जिसकी बुनियाद पर आज मैं और आप तितर बितर होकर के रह गए वक्त है मेरे और आपके पास आज भी आवाज दे रहा है कुरान आ जाओ लपक लपक कर आ जाओ लपक लपक कर दौड़ दौड़ कर आ जाओ मोहब्बत और खड़ूस के साथ आ जाओ कुरान पुकार रहा है मेरे नबी की सीरत बुला रही है लेकिन कहां है जितने नबियों पर अजाब आया ना दुनिया में क्यों आया कभी पढ़ो कुरान पता चल जाता इंशाला एक ही सूर्य में अल्लाह ने सूरे हुद में छह नबियों का तस्करा कर दिया छह नबियों का खतरनाक बड़े बड़े नबी सलाम से लेकर आखिरी नबी छह नबियों का तस्करा करके अल्लाह ने कहा वाज तौर पर ऐलान कर दिया इन लोगों ने नबी की बात को अहमियत नहीं दी इन लोगों ने नबी की मुखालिफत की अब इनके लिए तबाही का दरवाजा खोला जा रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कैसे हो गया दोस्त जन्नत का बैठे बैठे मिलने वाली है यह तस्वुर है क्या हमारा बैठे बैठे मिल जाएगी जन्नत मुमकिन में से नहीं है जन्नत हासिल करने के लिए मेरे आखा ने पेट पर दो दो पत्थरों को बांध दिया जन्नत हासिल करने के लिए सत्तर पचहत्तर साल बूढ़ी औरत अपने शर्मगाह में बर्छी को गलवा लिया इसी जन्नत को हासिल करने के लिए अम्मार और यासिर को ऊंट के अपोजिट मुखालिफ में छिड़वा दिया गया जिंदे इंसानों को इसी जन्नत को हासिल करने के लिए मेरे बिलाल ने अपने सीने पर पत्थर रखकर वादिए बथा में घसीटा गया तो पीठ की सारी की सारी खाल निकल गई थी इसी जन्नत को हासिल करने के लिए और वक्त सिद्दीक रजियाल्लाह तला हमेशा नबी के साथ साया बनकर रहा करते थे इसी जन्नत को हासिल करने के लिए उमर बिन खत्ताब ऐलान कर दिया था कि कोई मायका लाल है जो आज उमर के खदमों को रोक कर बता ले मेरे नबी को नुकसान पहुंचा के बता ले उसे जमीन दुष्ट कर दूंगा किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जो उमर बिन खत्ताब की आवाज का जवाब दे सके उस्मान ने इसी जन्नत को हासिल करने के लिए अपनी दौलत के खजानों को लुटा दिया हजरत अली रजी इसी जन्नत को हासिल करने के लिए खैबर के खिले का एक मजबूत दरवाजा जो कई कई लोग मिलकर उठाते थे अकेले जज्बे में आकर उठा उखाड़ उठा, कर उस खिले के दरवाजे को फेंक दिया और मुसलमानों को अंदर जाने का रास्ता फराहम कर दिया और तुम मंदी खा के अच्छे खजा खा के अच्छा पहन के शादी में नाच के जोड़ी की रखम ले छोड़ बल के तिजारत करके अम्मा बाबा को धोखा दे के बाप के जेब से जो है ना चोरी के पैसे निकाल के मोबाइल में सुबह से लेके शाम तक इनकी उनकी सूरतें देख के डेट पर जाकर पता नहीं कितने ऐसे खराबियां हैं यारो ये पूरे खराबियां रख लेके जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद भी है अफसोस हमारी जिंदगी पर ये अफसोस नहीं है आओ ताला अच्छी जिंदगी की तरफ आराम की जिंदगी की तरफ खुलूस और मोहब्बत की जिंदगी की तरफ नबी के पड़ोसी बनने की जिंदगी की तरफ माँ आयशा को अपने खूबसूरत जो है ना चेहरे को निगाहों से देखने की तरफ बहन फातिमा की आवाज सुनने के जो है ना तरफ आओ ऐसे माहौल को बनाने की तरफ जो इस्लाम चाहता है वो करना उसके अलावा नहीं मिल सकता पांच फिट के जिसम का जायजा लेना मैं और आप लेना क्योंकि जन्नत अगर होना है तो ये पांच फिट के जिसम का जायजा लेना बेहद जरूरी है अगर जायजा नहीं लेंगे आह अल्लाह अकबर उसका तस्करा हमने बहुत पहले आपके सामने कर दिया कि खबर की पहली रात क्या होती है अब उसे दोहराना नहीं है सिर्फ ये फिक्र करो कि मेरे रब को मैं कैसे राजी कर सकता हूं कैसे मेरी मौत आसान हो सकती है कैसा मेरा कफन कयामत की सुबह तक साफ और शफाफ रह सकता है कैसे जन्नत के फरिश्ते मेरे पास आकर सवाल जवाब करके मेरी जन्नत को मेरी खबर को खूबसूरत बना सकते हैं कैसे मैं हौलना की और आग और गर्म पानी से बच सकता हूं कैसे मैं जन्नत में जा सकता हूं फिक्र कर लो दोस्त कुछ भी नहीं है हमने कई जो है जनाजों को इन हाथों से दफना दिया लेके क्या है वहाँ से वही अरमान वही ख्वाहिश अरे मरने वाले के भी तो अरमान थे मरने वाले की भी तो ख्वाहिशें थी लेकिन दफना दिया मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया कोई पुरुषाने हाल नहीं अंदर क्या हो रहा है अल्लाह के लिहा कोई नहीं जान सकता वो क्यों क्या हो गया आखिर कौन सी चीज रोक रही है इसीलिए कहता हूं मेरी बात का बुरा ना मानना लुख्मे हलाल के बनाओ अच्छी बात का असर भी होता लुख्मे खराब ये बात जा ही नहीं सकती कान से ढक्कन पड़ जाता आपके दिल और कान के ऊपर अल्लाह से दुआ है कि ला शरीक लहू जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक तोहफ़ना फरमाए या अल्लाह हम इकरार करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफतन सारी जिंदगी गुजर रही है मेरे अल्लाह या अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे या अल्लाह रसोल्ला की एक एक बात पर अमल करने वाला हमें बना दे मेरे पाक परवरदिगार डर लगता है अल्लाह मौत की सख्ती से मेरे पाक परवरदिगार या अल्लाह डर लगता है अदहरी खबर से मेरे गफुर रहीम या अल्लाह डर लगता है जहन्नम के गर्म पानी से मेरे अल्लाह या अल्लाह डर लगता है मेरे पाक परवरदिगार जहन्नम की आग से मेरे अल्लाह या अल्लाह हम इंसान हैं निसीम से है मेरे है मेरे हैं मेरे अल्लाह हम गुनहगार खताकार हैं मेरे अल्लाह दो बातें हैं मेरे गफुर रहीम हमारी बातों को कबुल कर ले एक तो ये कि तू गफार है गफूर है मेरे अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा दे हमारी गलतियों को माफ फरमा दे दूसरा हम फकर करते हैं अल्लाह के हम नबी के उम्मती हैं अल्लाह नबी के उम्मती होने की कम से कम लाज रखकर हमारे अमल को दुरुस्त फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार या अल्लाह जितने लोग परेशान हाल है दुनिया में उनकी परेशानी को दूर फरमा जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिला फरमा जो लड़कियां जहेज़ की लानत की वजह से बैठी हैं नौजवानों में जज्बाता फरमा के उनको अपनी जो, जोजा जो है ना रोजा बना सकें जो लड़के अच्छी बीवियों की तलाश में या अल्लाह उनके लिए बेहतरीन जो है ना बीवियों का इंतखा फरमा या अल्लाह या अल्लाह यह मुल्क अमन का गहवारा था है और रहेगा इन शह एमर ला या मुल्कों को दर झालिम लोग दरहम बरहम करना चाहते हैं अमन खराब करना चाहते हैं या लह ना इस मुल्क के अंदर हमारा कोई रहनुमा है ना कोई हमारी दादरसी करने वाला है या अल्लाह ना कोई हमारे हमारी बात सुनने वाला है ते सिवाय तेरे मेरे गफर रहीम या अल्लाह अल्लाह या हम पुकार रहे हैं दिल की गहराई से मेरे अल्लाह हम पुकार रहे हैं मेरे अल्लाह इन जालिमों की जबानों को शल कर दे मेरे अल्लाह या अल्लाह इनके खलमों को तोड़ दे मेरे पाक परवर इनके नापाक सोच को पाशपाश कर दे मेरे गफर रहीम या अल्लाह इनका तख्ता पलट कर रख दे मेरे पाक परवर फिर से जो मस्जिदें बंद हो गई हैं उनसे अजाने शुरू हो जाएं फिर से जो मदरसे से लरसती थे उनकी आवाजों से गूंजती थी अल्लाह जो मदरसे बंद हो चुके हैं उनमें फिर से कुरान की तिलावत जारी व सारी कर दे मेरे पाक परवरदिगार या अल्लाह हमारे अईम्मा की हिफाजत फरमा हमारे हुफाज की हिफाजत फरमा हमारे मोहसिन की हिफाजत फरमा हमारे उलमा की हिफाजत फरमा या अह जालिमों की साजिशों को नापाक साजिशों को उलट दे मेरे वफ्रहीम

हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जजाकल्ला